दिल्ली के राघोपुर में पंचायत के बाद जमकर गोलीबारी हुई। दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों का दावा है कि कई लोग गायब हैं जिनका अता पता नहीं चल रहा है। उधर इस हत्याकांड के बाद एसपी मौके पर पहुंचे। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से मदद ली गई है। आशंका है कि गंगा में लोगों को फेंक दिया गया हो। राघोपुर में हुए इस हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत है। वैशाली के राघोपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग। पंचायत के बाद दो गुटों के बीच चली गोलियां। 3 की मौत, कई लापता, गंगा में तलाश जारी। राघोपुर में मातम पसरा है। पंचायत के बाद हुई हत्याकांड से इलाका दहल गया है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में दहशत फैली हुई है। रविवार शाम सुकुमारपुर गांव में पंचायत के बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई। पंचायत में वहां पर गए थे, उसके बाद हम लोग गांव में इसी घूमने के लिए गए। उसके बाद घर से चहेता 50 की संख्या में गोली मिला। रविवार शाम को दो पक्षों में विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई। पंचायत के बाद एक पक्ष ने घात लगाकर दूसरे पक्ष पर गोलीबारी की। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक शव को पुलिस ने बरामद कर लिया, जबकि 2 शवों की तलाश की जा रही है। इस गोलीबारी में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों के लापता होने का भी दावा किया जा रहा है। पुलिस ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से मदद मांगी, जो गंगा में लापता और मारे गए लोगों की तलाश में जुटी है। सूचना मिला कि मुखिया जी उधर गए, मुखिया जी ने घेर लिया। अच्छा, तो हम लोग थाना से चले। थाना चले थे, हाँ, जब इनका सुकुमारपुर घर पर आया, इनका क्या नाम है जी? नाजिर है का। अच्छा। तो रूम में डेड बॉडी मिला है, गोली लगा हुआ है। जिस शख्स की लाश मिली है वो पटना सिटी के किला घाट का रहने वाला है। पंचायत में शामिल होने के लिए वो भी राघोपुर गए थे। करीब 15 लोग किला घाट से गए थे। उधर इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम जुट गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। प्रवीण कांत, जी मीडिया, वैशाली।